सीबीडी बेलापुर स्थित पार्थिक हिल के भागवत धाम कृष्णा मंदिर के महंत कमलाक्ष दास उर्फ कमलवी अरोरा नामक महंत को विनय भंग के आरोप में सीबीडी बेलापुर पुलिस ने 2 तारीख को गिरफ्तार किया और 3 तारीख को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद महंत को जेल भेज दिया गया है। ये घिनौना खेल भगवान के घर यानी कि मंदिर में खेला जा रहा था। शायद महंत भूल गया था कि कोई देखे या न देखे भगवान देख रहा है। मंदिर के दूसरे महंत जिसकी बीबी के साथ हादसा हुआ, जिसका नाम है श्याम प्रसाद दास, उसने जो आप बीती बताई उससे आप गौर से सुनिए। सर एक्चुअली ये एक दिन की बात नहीं है, 2 महीना से उसके पीछे पड़ा था ये आदमी। ये बार वो पत्नी जो है बताती नहीं थी, शर्म से संकोच से कि समाज में लाज शर्म, हमारे लोग सब हमको देखेंगे कैसे सोचेंगे, इसलिए वो दबाती थी। लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ता जाता था। तो एक दिन क्या है, उन्होंने हार बनाती थी ऊपर, तो जाके इनको बोला तुम बहुत मेरे को अच्छी लगती हो, तुम हेमा मालिनी जैसे हो, बड़ी सुंदर हो तुम। तो उन्होंने बोला कि देखो ये सब बात गलत है, अच्छी नहीं हमको लगती है, बात सब मत बोलो तुम जी। तो इसने मुस्कुरा के वहाँ से चला गया। जन्माष्टमी के आसपास में नृत्य हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, तो 2-3 औरतों के साथ में डांस कर रही थी। तो जो फोटो खींचने वाले थे उनके वो भी बोला, उनको बोला कि जो है इसका डांस बहुत अच्छा करती है, इसका फोटो ले लो। मंदिर में जब आरती होती तो घूम घूम के बीच बीच में भगवान को ना देख के उनको देखता था। एक दिन की घटना क्या है, पिछले रविवार को 2 बजे मंदिर में सब प्रसाद खाते हैं, वहाँ जब कोई नहीं था तो प्रसाद लेने गई तो उनका हाथ पकड़ लिया। तो उस दिन रविवार को ही, वो सोमवार को जाती थी लेकिन उस दिन वो रविवार को चली गई। और मेरे को दूसरे दिन फ़ोन किया कि तुम आ जाओ भयंदर में, मेरे को जरूरी बात करना है। यहाँ बात नहीं किया उन्होंने। हैवानियत का खेल महीनों से जारी था। मंदिर का प्रमुख महंत दूसरे महंत की बीबी के साथ रंगरेलिया मनाना चाहता था। ये घिनौनी कोशिश मंदिर का प्रमुख महंत लगभग 2 महीनों तक लगातार करता रहा। हद तब हो गई जब एकांत में महंत की बीवी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला बड़ी मुश्किल से अपनी आबरू बचाकर भागी। तब पीड़ित महिला ने अपने साथ घटी दुखद घटना की जानकारी अपने पति को दी, जिसके बाद सीबीडी बेलापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। तब कहीं जाकर भागवत धाम के प्रमुख महंत को विनय भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं, यही है कलयुगी संत जिन्हें अदालत में लाया जा रहा है। वही इस घटना पर बचाव पक्ष के वकील का क्या कहना था, गौर से सुनिए। आरोपी के खिलाफ एक मॉलेस्टेशन का केस दर्ज किया गया था, जो आरोपी के हिसाब से और मालूम पड़ा है कि फॉल्स है पूरा केस, चूंकि ये 2 ट्रस्टीज लोगों के बीच की लड़ाई थी, जिसमें एक ट्रस्टी ने अपने वाइफ के थ्रू बाबा जी के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस दर्ज कराया था। लेकिन आर्गूमेंट के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को, जो बाबा जी थे, उनको MCR ग्रांट कर दिया है। सर आप वकील हैं, आपको तो पता ही होगा कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, आज तक किसी चोर ने बोला कि मैं चोर हूँ? ये बताया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी या अपनी बेटी के बारे में इस तरह की गलत बात कर सकता है कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की हरकत की गई है? तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो बात रही होगी जिसकी वजह से आज बाबा को जो है कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचना पड़ा। एक्चुअली मैटर अभी कोर्ट में सब जुडिस है, इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ट्रस्ट, जो ट्रस्ट की लड़ाई थी उसको यूज किया गया, मतलब उसमें लेडीज को यूज करके और कहीं न कहीं इनको बाबा को फंसाने की साजिश की गई। इस पूरे मामले पर बेलापुर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी PI DP काने से बात की गई, तब उन्होंने साफ कह दिया कि महंत ने हैवानियत का खेल खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने मनसूबों में कामयाब नहीं रहा। क्या नाम है उस मुख्य पुजारी का? कमल विहार हो रहा, उर्फ कमलाक्ष दास। क्या उम्र होगी उसकी? 50 साल की। 50 साल की महिला के साथ इस तरह हरकत की गई। पीड़ित महिला कहाँ की रहने वाली है सर, ये बता दें आप? शायद भाईंदर की है। भाईंदर की है, तो ये हरिकृष्ण धाम में आई हुई थी वो पूजा के लिए? नहीं, उसका पति वहाँ सेवा करता है, उधर ही रहता है। धर्म के आड़ में कुछ महंत और कुछ संतों की घिनौनी हरकत समाज के सामने लगातार आती रही है। उसके बाद हमारा समाज है कि ठग महंत और संत के झांसे में आकर सर्वस्व लुटाकर होश में आते हैं।